हेलो फ्रेंड्स, रोज़ रोज़ एक ही चीज़ सिखाते सिखाते मैं भी थोड़ी सी बोर हो गई हूँ। वर्ड्स और से रिलेटेड सेंटेंसेस। नहीं 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 घबराइए बिल्कुल नहीं, हमको तो वो सिखाना ही है, लेकिन आज सोच रहे हैं कि थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए जिससे आप लोगों को भी अच्छा लगे और हमको भी अच्छा लगे। तो आज थोड़ा सा रीडिंग वाली सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और एक छोटी सी स्टोरी मैं लाई हूँ जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख के आप लोगों को रीड करके बताऊँगी और साथ में आप लोगों को भी रीड करना है, ताकि क्योंकि देखिए हमने पहले भी बोला है ना कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उस लैंग्वेज को पढ़ना, लिखना और सुनना, सुन के उसको समझना, ये भी आप लोगों को आना चाहिए। तो आज हम लोग इसी के अंतर्गत रीडिंग वाले पोर्शन पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा रीड करते हैं। ठीक, अगेन आई एम सेइंग कि जैसे हम रीड करेंगे आप लोग भी मन मन आप लोग भी रीडिंग कीजिएगा, जिससे कि आप लोग की रीडिंग स्किल जो है थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए। सो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल कोरी स्टडी कॉर्नर। बंधुरा स्वागत जाना अपना कोरी स्टडी कॉर्नर। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बंगला पढ़ना। तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी और को बंगला पढ़ना सीखना है या बंगला लैंग्वेज सीखनी है तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट तो बिल्कुल ही करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते रीडिंग करना। जो स्टोरी मैंने छोटी सी स्टोरी जो मैंने लिया है उसका नाम है एक अन्य रकम उपहार। अभी देखिए इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसका मीनिंग बताया था, उपहार को क्या बोलते हैं या उपहार किसको बोलते हैं बंगला में, गिफ्ट को। यस, गिफ्ट को बोला जाता है उपहार। एक अन्य रकम उपहार मतलब एक अलग ही तरीके का गिफ्ट। अब चलिए स्टोरी को देखते हैं क्या है। नोते शय हसु दय धिगी दि पयकार पा सुदीपा दयकार दे बैधिगी বি দেবী সুদীপা দেবী বয়রিকা ব্রি দয় ধয় আকার ধা বৃদ্ধা তালবশয় র শ্র ময়েকার মে বৃদ্ধা শ্রমে ব দন্তেশয় একার সে বসে ভয়াকার ভা ব ভাব ছয় হস্যই ছি লয়কার লে দন্তেন ন ঠিক ছিলেন সুদীপা দেবী বৃদ্ধাশ্রমে বসে ভাবছিলেন পয়হস্য পু রয়কার রো দন্তের নয় ওকার নো পুরনো ব ছ র বছর গয়হস্য গু লয়হস্যই লি র গুলির বছরগুলির ক থয়াকার থা কথা। সুদীপা দেবী বৃদ্ধাশ্রমে বসে ভাবছিলেন পুরানো পুরনো বছরগুলির কথা। চলিয়ে ট্রান্সলেট ভি আম কর দেতে হ্যাঁ। সুদীপা দেবী বৃদ্ধাশ্রম মে ব্যাঠ কে আপনে পিছলে সালো কি বাতো কো ইয়াদ কর রহি থি সোচ রহি থি। আ জ কয় কর কে র আজ কে দয় হস্যই দি ন দিন টয় হস্যই টি তয় কর তে টিতে আজ কে দিন টিতে তয়া কর তা র তার এ ক এক ময়াকার মা তয় রফলা ত্র মাত্র একমাত্র ছয়াকার ছে লয়কার লে ছেলে আজকের দিনটিতে তার একমাত্র ছেলে অ ফয় হস্যই ফি দন্তেশ অফিস ছয় হস্যই ছু টয় হস্যই টি ছুটি নয় হস্যই নি অন্তস্তয় একার নিয়ে তয়াকার তা র তার সয়াকার সা থয়কার থে সাথে কয়াকার কা টয়াকার টা ত কাটা তো আজকের দিনটিতে তার একমাত্র ছেলে অফিস ছুটি নিয়ে তার সাথে কাটা তো। आज के दिन उनका जो इकलौता लड़का है वो ऑफिस से छुट्टी लेके पूरा दिन उनके साथ बिताता था हर साल। तोया करता कोय कर के ताके भय हस्य भी दंते नय न देखिए जॉइंट लेटर है विभिन्न हस्य प हयाकर हा र उपहार दय हस्य दि त दितो ताके विभिन्न उपहार दी तो और उनको बहुत सारे अलग अलग टाइप के गिफ्ट वो देता था। दंतेश्वय कर से हस्योई से दंतेश्व ब सब
घट नयाकार ना घटना आ ज आज दंतेश्वर मय रि श्री तय हस्य ती र श्रीति पयाकार पा तयाकार ता अंतस्त य पाताय चे सब घटना आज श्रीतिर पाताय। वो सब बातें अब यादों के पन्नों में ही रह गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कहानी में। छय का छे लय कर ले टया का टा छिले टा जय का जे अंतस्त जय का जे दंते न जानो कय करके म न कैमन ह अंतस्त यय एकार एकार होए गय कर गे छय कर छे गाचे छेलेटा जानो कैमन होए गाचे। बेटा कैसा हो गया है, वो सोच रही मन में कि मेरा बेटा कैसा हो गया है। ब हसो बऊ कय कर के बऊ के नय कर ना जय कर जा नय हसे नी अंतस्त यय एकार जानिए बऊ के ना जानिए ए क बयकार बा र एक बार। ये बिंदी थोड़ी सी साइड में हो गई, चलिए सही कर दिया मैंने, बिंदी थोड़ी सी साइड में हो गई थी। चलिए एक बार ह लय कर ले ओ हो ले ओ आ दंते स तय कर ते आस्ते पयकार पा र तो पार तो आ ज आज छेलेटा जानो कैमन होए गेछे बऊ के ना जानिए एक बार होलेओ आस्ते पारतो आज। बेटा अच्छा बेटा वो सोचने लगे बेटा कैसा हो गया है, अपनी बीवी को ना बता करके भी तो एक दिन के लिए आज आ सकता था मिलने के लिए। भयकर भा ब तयकर ते भापते थयकर था कयकर के थाके भापते थाके दंतेश्वय हस्यु दयधिगिधि पयाकार पा सुदीपा दयकार दे बयधिगे बी देवी भापते थाके सुदीपा देवी। सुदीपा देवी सोचती रहती है कि आज तो मेरा लड़का कैसा हो गया, कम से कम आज के दिन तो अपनी वाइफ को ना बताकर भी आ सकता था मिलने के लिए, ये सब वो सोच रही है। हयकार ठा खंडित तो हठात पयकार पे छ न पेछन थयकार थे कयकार के थेके दय हस्य दु टय हस्य टी दुटी हयकार हा त हात जयकार जा प टयकार टे जाटे ध रयकार रे धोरे तयकार ता कयकार के ताके हठात पेछन थेके दुटी हात जाटे धरे ताके। ये सब वो सोच ही रही थी मन में कि अचानक से पीछे से दो हाथ आते हैं उसको कस के पकड़ लेते हैं। ए तय कर तो ए तो तय कर ता रो तार छय कर छे लय कर ले छेले ए तो तार छेले। और जैसे ही कोई बच्चा चाहे वो कितना भी बड़ा हो, बेटा हो या बेटी हो, कोई भी संतान जब अपनी माँ को चाहे पीछे से पकड़े माँ की आंखें बंद तो भी माँ को समझ में आ जाता है कि ये मेरा बच्चा ही है जो हमको पीछे से ऐसे पकड़ रहा है। तो सुदीपा देवी को भी यह एहसास हो गया कि ये तो मेरा बेटा ही है। दय हसु फयकार फो चंद्र बिंदु टयकार टा फोटा ज ल जल ग डून्य डय हस्य अंतस्तय एकार गड़िए प रयकार रे परे दंतेश्वय हस्य सु दयधिगिधि पयाकार पा सुदीपा दयकार दे बयधिगिधि वयधिगिधि र देवी चयकार चो ख चोख दय हस्य दि अंतस्तय एकार ये दिए दु फोटा जल गड़िए परे सुदीपा देवी चोख दिए। जैसे उनको ये एहसास हुआ कि उनका बेटा आया है और पीछे से उनको ऐसे पकड़ रहा है तो खुशी खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू दो बूंद आंसू निकल गए। छय कर छे लय कर ले छेले ब लय कर ले बोले हस्य ठ ल उठलो छेले बोले उठलो। और तुरंत उसको अपने वो बोलने लगा, उनका लड़का जो है उनसे बोलने लगा।
तय कर ता रय कर रा तारा तय कर ता रय हस्य री तारी तारा तारी जय हस्य जी दंते नय हस्य नी दंते स जिनिस पत्र पत्र तारा तारी जिनिस पत्र गय हस्य गु छय हस्य ची अंतस्तय एकार गुचिए फय कर फे लय कर लो फेलो तारा तारी जिनिस पत्र गुचिए फेलो। क्या कहता है उनका लड़का? उनका लड़का कहता है कि जल्दी से फटाफट अपने सारा सामान पैक कर लो समेट लो। तो आया कर तो मया कर माँ कय कर के तो माँ के आ र आर ए खय कर खा नय कर ने ए खा ने थय कर था क तय कर ते थकते ह बय कर बे हबे नय कर ना तुम्हें आर एखने थकते हबे ना तुमको और अभी यहाँ पे नहीं रहना है। उनके लड़का उनसे बोलता है जल्दी से अपना सामान समेट लो मम्मी अब आपको और यहाँ पे नहीं रहना है मतलब वृद्धाश्रम में अब और नहीं रहना है। दंतेश्वर हस्यु दय धिग्गी दी पयाकार पा सुदीपा दयकार दे बय धिग्गई बी देवी आ ज आज प अंतस्त जय रफला पर्ज दंते नय त पर्यंत ए तो एत भयकार भा लयकार लो भालो हयस्य प हयकार हा र उपहार कयकार को न कोनो दयहस्य दि दन्ते न दिन पयकार पा दन्ते न हस्य पानि सुदीपा देवी आज पर्यंत एत भालो उपहार कोनो दिन पानि। सुदीपा देवी को आज तक इतना अच्छा गिफ्ट जिंदगी में कभी भी नहीं मिला है ना। ये गिफ्ट कितना अच्छा है सही में बहुत बड़ी गिफ्ट है कि कोई बच्चा आके अपनी माँ को वृद्धाश्रम से उठा के वापस अपने घर पे ले जाए। तो देखिए स्टोरी तो ज़रूर अच्छी लगी होगी आप लोगों को और साथ में पढ़ा था ना आप लोगों ने क्योंकि रीडिंग प्रैक्टिस करना था। हाँ ये नहीं कि कहानी में डूब गए। कहानी अगर सुनना है तो मेरा सेकंड चैनल है स्टोरी वाली, मैं उसका लिंक दे दूंगी। वहाँ पे अच्छे अच्छे बंगला छोटी छोटी स्टोरी आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगी। और प्रैक्टिस कर लिया है ना तो ऐसे ही बंगला की प्रैक्टिस करते रहिए, बंगला रीड करने की भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो पे जिसमें हम फिर से नए नए वर्ड्स और सेंटेंसेस सिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।